नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स के थर्ड लेक्चर में। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने आपको ऑप्शंस के जो बेसिक्स होते हैं उनको क्लियर कर दिया है। सेकंड लेक्चर में हमने आपको ऑप्शन ग्रीक समझा दिए हैं। तो इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करने के दो तरीकों के बारे में, जो कि है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं। ऑप्शन बाइंग क्या होती है, इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। वैसे इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं जिसकी प्राइस 10 लाख रुपए है, लेकिन आपको खबर मिली है कि उस प्लॉट के सामने ही एक मॉल बनने वाला है, जिससे उस प्लॉट की जो प्राइस है वो बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाएगी। बट इसके साथ ही आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिली है कि हो सकता है कि उस प्लॉट के सामने से एक फ्लाईओवर चला जाए, जिससे प्लॉट फ्लाईओवर के नीचे आ जाए और प्लॉट की प्राइस घटकर 5 लाख रुपए हो जाएगी। और अगर मान लो आप अभी प्लॉट नहीं खरीदते हो, आप एक महीने के बाद प्लॉट खरीदने जाते हो, तो हो सकता है कि सामने वहां पे मॉल का काम शुरू हो गया होगा, जिससे जो प्लॉट की प्राइस है वो बढ़ जाएगी और तब वो प्लॉट आपको 10 लाख रुपए में नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप उस प्लॉट के ओनर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं आपका ये 10 लाख रुपए वाला प्लॉट खरीदना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं, मैं एक महीने के बाद खरीदना चाहता हूं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप अभी मुझे ये राइट दे दें कि एक महीने के बाद इस प्लॉट की प्राइस चाहे कितनी भी होगी, आप मुझे प्लॉट 10 लाख रुपए में ही देंगे। तो यहां पर जो प्लॉट सेल कर रहा है वो आपको बोलेगा कि अगर मान लो एक महीने बाद जो प्लॉट की प्राइस है वो बढ़कर 11 लाख 12 लाख हो जाएगी, तो फिर मैं आपको 10 लाख में ही क्यों दूंगा। तो आप उस प्लॉट के ओनर को कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, मैं आपको अभी 10,000 रुपए दे देता हूं, जो कि एज अ प्रीमियम मैं आपको दे रहा हूं, जिसके रिटर्न में मुझे आपसे बस इतना राइट चाहिए कि एक महीने बाद उस प्लॉट की प्राइस चाहे कुछ भी हो, आप मुझे वो प्लॉट 10 लाख में ही देंगे। तो अब यहां पर जो प्लॉट सेलर है उसको फ्री में 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि एक महीने बाद चाहे इस प्लॉट की प्राइस कुछ भी होगी, वो आपको वो प्लॉट 10 लाख में ही देगा। तो यहां पर जो प्लॉट का ओनर है उसकी ये ऑब्लिगेशन बन जाती है कि क्योंकि आपने उसे 10,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है, तो उसने वो प्लॉट आपको 10 लाख में ही देना है, चाहे उसकी प्राइस कुछ भी हो। तो अब मान लो जो प्लॉट की प्राइस है वो एक महीने बाद बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाती है, तो क्योंकि उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो आपको वो प्लॉट 10 लाख में ही देगा, तो उसे वो 10 लाख में ही देना पड़ेगा। और ऐसे आपने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और आपको वो 20 लाख वाला प्लॉट 10 लाख रुपए में मिल गया, यानी यहां पर आपको 9,90,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। जबकि इसका उल्टा, मान लो अगर वहां पर मॉल नहीं बनता है और वहां पर फ्लाईओवर बन जाता है, जिससे उस प्लॉट की जो प्राइस है वो 10 लाख से घटकर 5 लाख रुपए आ जाती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपको कितने का लॉस होगा? अगर आपको लगता है कि आपको 5,10,000 रुपए का लॉस होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ 10,000 रुपए का लॉस होगा जो प्रीमियम आपने पे किया था, क्योंकि अब आप उस प्लॉट को खरीदेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन बाइंग काम करती है, जिसमें आप एक प्रीमियम देते हैं जो कि इस केस में 10,000 रुपए था, और उस प्रीमियम को देकर आप एक बड़ी एसेट को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि इस केस में वो लैंड था। लेकिन यहां पर जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपका राइट है, ना कि ऑब्लिगेशन है, मतलब आप चाहें तो खरीदें या फिर ना खरीदें। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है, जो कि इस केस में लैंड सेल करने वाला व्यक्ति था, उसकी ये ऑब्लिगेशन होती है क्योंकि उसने प्रीमियम लिया है। तो अब अगर आप चाहें तो उसको वो प्लॉट सेल करना ही पड़ेगा, यानी उसको वो ऑप्शन सेल करना ही पड़ेगा। वैसे अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमने 46 लेक्चर्स का एक कोर्स बना रखा है, जिस कोर्स को आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए। अब ये एग्जांपल तो मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग क्या होती है ये समझाने के लिए बताया था, अब इसे मैं आपको लाइव मार्केट में एक एग्जांपल देकर भी दिखाता हूं। तो मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया है। अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मेरा डीमैट अकाउंट खुल चुका है। अब यहां पर मैं HDFC बैंक के ऑप्शन को बाय करने का ट्राई करता हूं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने चेक करना है कि HDFC की प्राइस कितनी चल रही है। तो अभी HDFC की प्राइस 1595 रुपीज चल रही है। तो अब यहां पर अगर मुझे लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूं, और मुझे लगता है कि अगर शेयर की प्राइस गिरेगी तो मुझे पुट ऑप्शन बाय करना होता है। ये हमने हमारे इस फ्री कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में बताया था। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। तो यहां पर आपको पता है कि HDFC की प्राइस 1595 रुपीज चल रही है, तो मुझे लगता है कि जो HDFC की प्राइस है वो नेक्स्ट मंथ 1650 रुपीज जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे HDFC 1650 रुपीज लगता हूं, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना होता है, तो मैंने यहां पर कॉल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब ये इस मंथ का ही दिखाई दे रहा है, तो क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ का देखना चाहता हूं, तो नेक्स्ट मंथ की जो एक्सपायरी है वो 28 सितंबर की है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि
इसके कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस है वो 10 रुपीज के आसपास चल रही है, जबकि जो HDFC बैंक के एक शेयर की प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है, वो 1595 रुपीज चल रही है। यानी यहाँ पर HDFC के एक शेयर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट मैं सिर्फ 10 रुपए देकर कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एक स्टॉक बाय नहीं करना होता है, आपको एक लॉट बाय करना होता है जिसमें अलग अलग स्टॉक के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी होती है। तो HDFC बैंक में ये 550 की क्वांटिटी है, यानी अगर मैं HDFC बैंक के एक लॉट को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ जिसमें 550 क्वांटिटी मुझे मिलेंगी, तो वो मैं सिर्फ 5,940 रुपए देकर कर सकता हूँ। अब अगर ऐसे में HDFC के शेयर की प्राइस बढ़ती है तो वो जितनी ज्यादा बढ़ेगी मुझे उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर HDFC की प्राइस गिरती है तो मैंने जो यहाँ पर 5,940 रुपए दूंगा सिर्फ उसका ही मुझे लॉस होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं। वैसे अगर आपको फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक आ जाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे। इसके साथ ही पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट आ भी गया हो। अब ऑप्शन बाय करने का क्या बेनिफिट है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मान लो आपने HDFC बैंक के शेयर्स खरीद रखे हैं और आपको लगता है कि हो सकता है कि HDFC बैंक के शेयर की प्राइस गिर जाए लेकिन आप अपने शेयर्स को बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप HDFC बैंक का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जिससे अगर HDFC बैंक के शेयर की प्राइस गिरेगी तो आपने जो शेयर्स खरीद रखे हैं उनमें तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर इसके साथ ही आप HDFC बैंक के पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा जिससे आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। आई होप अब आपको ऑप्शन बाइंग समझ आ गई होगी। तो चलिए अब ऑप्शन सेलिंग को भी समझ लेते हैं। तो देखो, अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो तो उसको कोई ना कोई तो सेल कर रहा होगा, जैसे वो जो प्लॉट वाला एग्जांपल हमने देखा था जिसमें आप उस प्लॉट को खरीदना चाह रहे थे तो उस प्लॉट को बेचने वाला एक प्लॉट सेलर भी तो था। तो ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में भी जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आप ऑप्शन बायर होते हैं और कोई ना कोई उस ऑप्शन को सेल करता है जिसको हम ऑप्शन सेलर बोलते हैं। तो चलिए ये ऑप्शन सेलिंग क्या होती है इसको भी वो प्लॉट वाले एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। तो वो जो प्लॉट वाला एग्जांपल था उसमें आप उस प्लॉट को इसलिए खरीदना चाह रहे थे क्योंकि आपको खबर मिली थी कि वहां पर एक मॉल बनने वाला है जिससे उसकी प्राइस बढ़कर डबल हो सकती है, या फिर वहां पर एक फ्लाईओवर बन जाएगा जिससे उस प्लॉट की प्राइस घटकर 5 लाख रुपए आ सकती है। तो ऐसे में एक बार ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि इस केस में हमारा वो प्लॉट सेल करने वाला व्यक्ति है। तो मान लेते हैं कि उसको पहले से पता है कि ना तो यहाँ पे मॉल बनने वाला है और ना ही यहाँ पे फ्लाईओवर बनने वाला है, और एक महीने बाद मेरा जो प्लॉट है उसकी प्राइस 10 लाख रुपए ही रहेगी। तो आप जब उस प्लॉट सेलर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं आपको 10,000 रुपए प्रीमियम दूंगा जिसके रिटर्न में मुझे बस आपसे इतना राइट चाहिए कि एक महीने बाद इस प्लॉट की प्राइस चाहे कितनी भी हो आप मुझे प्लॉट 10 लाख में ही देंगे। तो क्योंकि ऑप्शन सेलर को पहले से पता था कि ना तो यहाँ पे मॉल बनने वाला है और ना ही यहाँ पे फ्लाईओवर बनने वाला है, तो इस वजह से वो जो प्लॉट सेलर है वो आपसे 10,000 रुपए लेकर ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि एक महीने बाद कुछ भी नहीं होगा, मेरे प्लॉट की प्राइस 10 लाख रुपए ही रहेगी और ऐसे में मुझे 10,000 रुपए अभी से फ्री में मिल रहे हैं तो क्यों ना लूं। तो इसलिए आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और आपसे 10,000 रुपए ले लेता है। तो ऐसे में मान लो एक महीने बाद जैसा उस प्लॉट बेचने वाले व्यक्ति ने सोचा था वैसा ही होता है, मतलब ना कोई मॉल बनता है ना कोई फ्लाईओवर बनता है जिससे उस प्लॉट की प्राइस 10 के 10 लाख रुपए ही रहती है, तो अब उसको फ्री में 10,000 रुपए मिल जाएंगे और अब आप चाहे उसका प्लॉट खरीदो तब भी उसको बेनिफिट है और ना खरीदो तब भी, क्योंकि आप 10,000 रुपए पहले ही दे चुके हो तब भी उसको प्रॉफिट है। तो इस तरीके से ऑप्शन सेलिंग काम करती है। अब ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया था, तो चलिए इसको भी एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो वापस से आ गया हूं मैं अपने डीमैट अकाउंट में। अब वापस से हम HDFC बैंक के 1650 का कॉल ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए जो HDFC बैंक के 1650 का कॉल ऑप्शन है नेक्स्ट मंथ का, वो हमें 10.75 रुपए के आसपास का पड़ रहा है। इससे पहले वाले एग्जांपल में जब हमने देखा था तभी हमें 10.70 रुपए का पड़ रहा था। तो अगर हम इसको बाय कर रहे थे तो उस टाइम पर ही हमें 5,500 रुपए के आसपास पड़ रहा था, अभी 6,000 रुपए के आसपास पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसे सेल करना चाहते हैं, यानी अगर हम इस ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं और इसकी एक क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसके लिए हमें 1,25,000 रुपए से ज्यादा देने होंगे। यानी जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो वो आप बहुत ही कम अमाउंट के साथ कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन सेल करते हैं तब आपको बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है। बट आप ऑप्शन सेल भी सिंपली यहां पर जो सेल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सेलिंग कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपको प्लॉट वाला एग्जांपल दिया था ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया था, क्योंकि ये वाले एग्जांपल से इजीली समझ आता है। जब हम प्रैक्टिकली ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं जिसमें हम ऑप्शन बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उस टाइम पर जैसे ही आप ऑप्शन बाय करते हैं आपको जरूरी नहीं है कि एक महीने बाद तक उस ऑप्शन को होल्ड करने की जरूरत हो। आप चाहें तो उस ऑप्शन को बाय करने के 5 मिनट बाद ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, और सिमिलरली अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो उस ऑप्शन को सेल करने के 5 मिनट बाद ही आप चाहें तो अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने यहां पर जो आपको एग्जांपल दिया था
उसमें आपने अभी 10,000 रुपए पे किया, उसके बाद आपने एक महीने वेट किया, लेकिन एक्चुअल में जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं उस टाइम पर आपको एक महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने ये 10,000 वाला ऑप्शन मुझसे बाय किया है, अब वो सेम कॉन्ट्रैक्ट किसी और को बेच दो, वो किसी और को सेल कर देगा। तो ऐसे आप जब चाहें ऑप्शन बाय कर सकते हैं और जब चाहें ऑप्शन सेल कर सकते हैं। अब यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मैं ऑप्शन बाय करने जा रहा हूं तो मुझे सिर्फ 5,000 से 7,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन जब मैं ऑप्शन सेल करने जा रहा हूं तो मुझे 1,20,000 से भी ज्यादा का अमाउंट देना पड़ रहा है, तो फिर मैं ऑप्शन सेल क्यों करूंगा, मैं ऑप्शन बाय ही क्यों ना करूं। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम आगे समझेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन बायर होते हैं उनके प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 33% होती है, जबकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 67% होती है। इस वजह से बहुत सारे लोग जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो ऑप्शन सेल करना प्रेफर करते हैं। अब अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है, यानी अगर आपने 5,000 रुपए का प्रीमियम पे किया है तो आपका जो रिस्क है वो 5,000 रुपए का ही है, मतलब आपको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 5,000 रुपए का ही हो सकता है, जबकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो अनलिमिटेड होता है, यानी कितने का भी हो सकता है। जैसे वो प्लॉट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था तो उसमें जो आपका रिस्क था वो सिर्फ 10,000 रुपए का था जितना प्रीमियम आपने पे किया था, और जो आपको रिवॉर्ड मिल सकता था वो अनलिमिटेड था। अगर मान लो आपने 10,000 देकर उस 1,000,000 वाले प्लॉट को बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया होता और सामने मॉल बनने के साथ साथ एक मेट्रो स्टेशन भी बन जाता जिससे उस प्लॉट की प्राइस 1,000,000 से बढ़कर 3,000,000 रुपए हो जाती, तो आपको 2,000,000 का प्रॉफिट होता क्योंकि आपको वो प्लॉट 1,000,000 रुपए में ही मिलना था। तो यानी जो ऑप्शन बाइंग होती है उसमें जो आपका रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है और जो रिवॉर्ड होता है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो उसमें आपका जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ उतना ही रिवॉर्ड मिल सकता है जितना सामने वाले ने आपको प्रीमियम पे किया है। मतलब जो हमारा प्लॉट वाला एग्जांपल था उसमें आपने जो प्रीमियम पे किया था वो कितना किया था, आपने 10,000 रुपए का प्रीमियम पे किया था, तो वो जो ऑप्शन सेलर है तो उसको इस केस में मैक्सिमम 10,000 रुपए का ही प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसका जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्लॉट की प्राइस 30,00,000 हो जाती है तो उसको टोटल 20,00,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। बट मैंने आपको बताया है कि जो ऑप्शन बायर है उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 33% होती है, और जो ऑप्शन सेलर है उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 67% होती है। यानी रिस्क ऑप्शन बाइंग में लो होता है और रिवॉर्ड हाई होता है, जबकि ऑप्शन सेलिंग में जो रिवॉर्ड होता है वो लो होता है और रिस्क हाई होता है। अब अगर राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात करें तो ऑप्शन बाइंग में क्योंकि जो ऑप्शन बायर है उसने प्रीमियम दिया है तो इसलिए उसके पास एक राइट होता है, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है क्योंकि उसने प्रीमियम लिया है इसलिए उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि अगर ऑप्शन बायर चाहे कि उसको वो पर्टिकुलर प्लॉट खरीदना है या उसको वो पर्टिकुलर ऑप्शन खरीदना है तो जो ऑप्शन सेलर है उसको वो बेचना ही पड़ेगा, लेकिन जो ऑप्शन बायर है उसके पास क्योंकि उसने प्रीमियम पे किया है इसलिए उसके पास राइट है कि वो चाहे तो उस प्लॉट को खरीदे या उस ऑप्शन को खरीदे या फिर ना खरीदे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ऑप्शन बाइंग है उसके लिए आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है, आप 5,000-7,000 रुपए से भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, कम से कम आपको 1,00,000 रुपए चाहिए होती है एक ऑप्शन को सेल करने के लिए। तो अब आपको समझ आ गया है कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि ऑप्शन बाइंग बेटर है क्योंकि वहां पर जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है और जो रिस्क है वो लिमिटेड है, जबकि कुछ लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि ऑप्शन सेलिंग बेटर है क्योंकि वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये सब्जेक्टिव है और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी कैपिटल है, क्योंकि ऑप्शन सेल करने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी जबकि ऑप्शन बाय करने के लिए आप कम पैसों के साथ भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं जिससे आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। वैसे अगर आपको एक फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक आ जाते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर देंगे। इसके साथ ही पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो इसका नेक्स्ट पार्ट आ भी गया हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमने आपको थीटा डीके, जिसको हम टाइम डीके भी बोलते हैं, उसके बारे में बताया था, जिसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो ऑप्शन बायर होता है उसके जो प्रीमियम होते हैं वो घटते चले जाते हैं। तो इस केस में जो टाइम है वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम करता है और जो ऑप्शन सेलर है उसके फेवर में काम करता है। दूसरा, जो शेयर की प्राइस है वो आपको पता है कि 3 डायरेक्शन में मूव कर सकती है। पहला, शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, दूसरा घट सकती है, और तीसरा उसमें साइडवेज मूवमेंट हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको तभी प्रॉफिट होगा जब जो शेयर की प्राइस है वो आपके फेवर में काम करे, जबकि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो अगर शेयर की प्राइस आपके फेवर में काम करेगी तब तो आपको प्रॉफिट होगा ही, लेकिन अगर शेयर की प्राइस साइडवेज भी रहेगी तो क्योंकि इस केस में जो टाइम या थीटा डीके
है वो आपके फेवर में काम करेगा, तो अगर शेयर की प्राइस साइडवेज भी रहती है तब भी जो ऑप्शन सेलर है उसको प्रॉफिट होता है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या ऑप्शन सेलर बनना है, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप चाहें तो इन दोनों के मिलाकर भी अपनी स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी हम आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में सिखाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हमारे फ्री ऑप्शन कोर्स का नेक्स्ट लेक्चर आए आपको पहले ही पता चल जाए। इसके अलावा फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक, हमारी बुक को बाय करने का लिंक और हमारे कोर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।